now lastly talking about the ethical complaints not pursued we have been talking about ethical complaints which are needed to be considered but there are some kind of ethical complaints which cannot be pursued ethical committees cannot possibly pursue every complaint the most common reason that apa declined to consider the complaint are follows जो ए पी ए की गाइडलाइंस में फॉलो नहीं करती वो कम्प्लेन्स क्या हो सकती हैं वेयर देर इज़ नो प्रोविजन इन द कोर्ट कोई ऐसी कंप्लेन आ जाती है जिसकी कोई भी डिटेल जिसका कोई भी एक्ट जो है वो ए पी ए के पास मौजूद नहीं होता प्रॉबेबली वो कोई बहुत ही पोअर डिसीजन होता है कोई क्वेश्चनेबल लेवल ऑफ केयर होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसको कोई भी कोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता देन वेन एन एथिक कमेटी इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट मीडिएटर

एजेंसी कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन बट इच रिस्पॉन्डेंट मस्ट भी स्पेसिफाइड अगर वो एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके नाम क्या हैं और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो अटैच है yarni, उन्होंने क्या क्या जो है वो पार्ट कमिट किया है एथिक्स कमिटीज आर नॉट सेजुअल कहते हैं कि मेरे साथ कंपनी uh, ने जो है वो अनएथिकल काम किया है उस कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हो सकती बल्कि शिकायत उस कंपनी के अंदर मौजूद लोगों के खिलाफ दर्ज हो सकती है तो ये जानना कि किसी कॉरपोरेशन या किसी कंपनी को एलिज नहीं किया जा सकता सिर्फ लोगों को किया जा सकता है वन कंप्लेंट्स आर अनोनस दैन दीज टाइप ऑफ कैन कंप्लेंस कैनोट बीसूड यूजली द रीज़न फॉर अनोनिटी इज़ नोटेड एंड इट इज़ टिपिकली फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन जब तक हमें जो शिकायत किसी नाम के बगैर मौसू होती है उसकी कोई वैल्यू वाली उसकी कोई हैसियत नहीं होती द दम्पलेंस आर एथिक्स कैजनलीस रिसीव कम्पलेंट दैट बेस्ड अवेलेबल एविडेंस आर जज्ड फाइवरसली एंड इंटेंडेड टू हार्म एंड हरास रदर दैन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक बाज़ुक इस तरह की कम्प्लेंस आती हैं जो इम्प्रॉपरली रिटर्न होती हैं और वो पब्लिक के बेनिफिट की, की बजाय सिर्फ लोगों को हरास करने के लिए लोगों को सिर्फ जो है वो तंग करने के लिए बनाई जाती हैं तो इस तरह की जो कंप्लेंस होती हैं उन्हें भी प्रोसेस नहीं किया जाता एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेन कम्प्लेन्स अराइव बियॉन्ड डेजिग्नेटेड टाइम लिमिट्स बिकॉज द एथिकेंट शुड भी फाइल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द एलेजेशन अकर्ड और कम टू दम्पलेन अटेंशन यानी इसका मतलब यह है कि जब हम एक स्पेसिफिक कोई इंसिडेंस होता है उसके बाद एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर उसके बारे में कम्प्लेन करनी चाहिए यह नहीं कि वो कंप्लेंट जो है वो पाँच या दस साल के बाद की जा रही है तो एथिक्स कमेटी जो है वो उसको प्रॉपरली है वो स्टडी नहीं कर सकेगी सो एज सून एज द क्राइम और अनएथिकल प्रैक्टिस हैज बीन कमिटेड और इट कम्स टू टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द कम्पलेंट तो उसके ऊपर उसी वक्त प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन के आफ्टर मैनी वीक्स एंड मैनी मंथस और ईयर्स उस मैटर को जो है वो एथिक्स कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया जाए सो दीज आर द सेवन वेज इन विच द कम्पलेन विच आर बींग Uh, launched to the ethical committees are not pursued because they do not uh, being fall into the boundaries of apa code of ethics